हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न झारखंड पे। दोस्तों, आइए आज के इस कोठा के लेक्चर में हम लोग देखेंगे अगला कहानी। हम लोगों ने लास्ट टाइम कहानी करा था सात भाई एक बहन, आज हम लोग उसका आगे का कहानी करते हैं, धने के धधैनी। देखिए, धने का धधैनी का मतलब क्या हुआ? मतलब धधाना का माने होता है लिचराना, लिचराना। लिचराना का माने क्या होता है? चहकना। क्या होता है? चहकना। और इसको क्या समझ सकते हैं? थोड़ा सा पैतरा मारना। धन हो जाता है ना जिसके पास, ज्यादा पैतरा मारता है। और क्या समझ सकते हैं? ज्यादा उछलने लगता है ना, उछलना, जिसके पास धन हो जाता है, और घमंड में कुछ हो जाना, है ना। तो आप इतना सारा चीज को इससे रिलेट कर सकते हैं कि धन का धन, यानी कि ज्यादा जिसके पास धन हो जाता है वो ज्यादा चहकता है, उछलता है, तेज बनता है ना, पैतरा मारता है थोड़ा। लेकिन कहा गया है कि आपके पास कितना ही धन क्यों ना हाँ, हो जाए, आपको जमीन से जुड़ करके रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि धन आ गया था अब आप खाली आसमाने में उड़ रहे हैं। आपको अपना नहीं भूलना चाहिए वो दिन जिस समय आप गरीबी से जी रहे थे, वो दिन को नहीं भूलना चाहिए, है ना। और अत्याचार नहीं करना चाहिए। कुछ इसी तरह मैसेज इस कहानी का है कि जो इंसान किसी को अमीर बनाता है, यहाँ इंसान नहीं यहाँ जानवर होगा, है ना। अब कैसा जानवर हम लोग देखेंगे। तो जो इंसान किसी को अमीर बनाता है और अमीर बनने के बाद वो इंसान उसका कदर नहीं करता है, यही चीज में दिखाता है। और कदर नहीं करता है, उसके साथ बहुत बुरा करता है ना। तो फिर वही इंसान उसको जमीन पर भी गिराता है, मतलब जो उठाता है वो उसको गिरा भी देता है। इसलिए जो उठाता है कम से कम उसका कदर करना चाहिए जिंदगी में, इसी इस कहानी का सीख है। तो चलिए, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं इस कहानी का आपको थोड़ा सा समरी बता देता हूं। इस कहानी का क्या समरी है? तो इस कहानी में देखिए, एक होती है बूढ़ी, एक होती है बूढ़ी माँ। इस बूढ़ी माँ का एक बेटा होता है। क्या होता है? बेटा। दो किरदार हो गया। और ये जो बेटा है, ये बेटा क्या करता है? बेटा क्या करता है? बेटा क्या करता है? एक बंदर को खरीदता है। बंदर खरीदना, ये बेटा एक बंदर को खरीद कर लाता है। यही तीन गो का कहानी है इसमें, यही तीन जो कैरेक्टर है इसका यहां पर कहानी है। कैरेक्टर वन, कैरेक्टर टू, कैरेक्टर थ्री, कैरेक्टर थ्री, कैरेक्टर टू और कैरेक्टर वन। तो इसमें क्या होता है कि बंदर, इन लोग बहुत गरीब होता है, ये बूढ़ी माँ और बेटा। और बंदर क्या करता है? बंदर इन लोग को अमीर बना देता है। इतना अमीर बना देता है कि इसकी चर्चा दूर दूर तक होने लगती है कि फलानवा कल तक तो गरीब था, आज इतना अमीर कैसे हो गया। तो बंदर इन लोग को अमीर बनाता है, बहुत अमीर बनाता है। और बंदर की वजह से इसका बेटा का शादी एक राजकुमारी घर में हो जाता है। लेकिन शादी ब्याह हो जाने के बाद जो है, इन लोग बंदर को पूछता ही नहीं है, बंदर का कोई वैल्यू नहीं, बंदर का कोई कदर नहीं। और एक दिन बंदर मरने का नाटक करता है, मर के चेक करता है कि अगर हम मर जाएं तो इन लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है। और बंदर एक दिन नाटक किया मरने का, तो इन लोग इसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है ना। बंदर को उठा करके खेत में फेंक आता है। सोचिए, बताइए, जो इंसान किसी को अक्स को फर्श से अर्श पर पहुंचाएगा, जमीन से आसमान पर पहुंचाएगा, अरे वो तो उसके लिए खुदा फरिश्ता हो गया, भगवान हो गया। तो क्या भगवान को उठा करके बाहर फेंक दिया जाएगा उनके अस्तित्व खत्म होने के बाद? नहीं, आदर सम्मान के साथ उनको विदा किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आदर सम्मान से इस बंदर को विदा करना चाहिए था, लेकिन नहीं, उठा करके एक कीड़ा मकोड़ा की भांति खेत में फेंक दिया गया। बंदर को बहुत खराब लगा। और बंदर जो है, और कैसे ले, मतलब घसीटते घसीटते ले गया, देखिए घसीटते घसीटते ले गया खेत में फेंकने के लिए। और बंदर को बहुत खराब लगा, बंदर बहुत चोटिल भी हो गया। और लास्ट में बंदर क्या करता है? इसका घरे द्वार बंदर जला देता है, हनुमान जी बन करके, जिस तरह हनुमान जी लंका दहन किए थे, बंदर इसका घर का दहन कर देता है ना। तो कुछ यही है इसका सारांश जो मैंने आपको समरी बताया। आइए डिटेल में इस कहानी को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। चलिए, एगो गांवे एगो बूढ़ी हली,
ओकर साधे के गो बेटा हलै चम्टू, कि एक गांव में कौन रहती थी, एक गांव में एक बूढ़ी रहती थी, इसका बेटा का नाम क्या था, चम्टू। परीक्षा में पूछेगा बेटा का क्या नाम था, बताएंगे आप लोग? चम्पू हाँ बेटा चम्टू, परीक्षा में यही पूछेगा, ठीक ना। बूढ़ी का बेटा का नाम क्या था, का चम्टू। या चम्टू कौन कहानी का कैरेक्टर है, कौन लोक कथा का कैरेक्टर है, तो क्या नाम होगा, धने के धनहिनी। चलिए आगे देखते हैं। भूखे दुखे कौनो रकम, दुयु साग माड़े दिन काटा हला। कि भूख का दुख से, माने गरीबी, भूख का दुख माने क्या हो गया, इन लोग किससे त्रस्त था, इन लोग गरीबी से त्रस्त था, तो गरीबी के कारण इन लोग किसी तरह, रकम का माने दोस्तों होता है तरह, क्या होता है तरह, दोनों साग माड़ खा करके दिन काटता था, काटा हला माने दिन काटना। एक दिन बूढ़ी चम्पू के रूपाक एगो टका दई के कहले। एक दिन बूढ़ी चम्पू को रूपाक, रूपाक का माने होता है चांदी, क्या होता है चांदी, कि चांदी का एगो टका, चांदी का एक टका दे करके कहती है नुनू। देखिए चम्पू को क्या बोलती है बूढ़ी माँ, नुनू। नुनू। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, चम्पू बराबर है ना नुनू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि चम्पू बराबर क्या हो जाएगा, नुनू। चम्पू बराबर नुनू। नुनू बाजार जाऊ और कौनो व्यापार कर, नहीं तो की कई घर चलेबे। कहती है कि नुनू बाजार जाओ और कुछ व्यापार करो बेटा, नहीं तो घर कैसे चलाओगे। रूपा का टाका लेके चम्पू हाट गए। देखिए हाट बने क्या होता है, बाजार, बाजार आदिवासी लोग बाजार नहीं बोलता है, आदिवासी लोग इसको हाट बोलता है ना। तो ये चांदी का सिक्का लेके चम्पू बाजार चला गया। सारा दिन हाटे दुकानदारी देख के चम्पू थक गेल, ताबो कोनो चीज ओकरा पसंद नाई भेलै। बेचारा करत तो करत की छुछे हाथ घर घुरले, माए के दुंदरनी सुने हतै, तखन ढेर बूझ बाइझ के देखा लार, घुरती बेरे पटाई सोटाई की एगो बांदर किनल लार, मुंह अंदरे घर घुरल। देखिए क्या होता है, सारा दिन दुकान उकान अपना बाजार घूमते रहता है, चम्पू थक जाता है, तो भी इसको कोई भी चीज पसंद नहीं आता है। बेचारा करता तो क्या करता, छुछे हाथ माने खाली हाथ, छुछे हाथ माने क्या होता है खाली हाथ, अगर घर घुरता तो माए का दुंदरनी सुनी होता है, दुंदरती माने डांट, क्या होगा डांट, माए का डांट सुनना पड़ेगा। तखन ढेर उस समय सोच समझ करके ये विचार किया और घर घुरते बेरे, बेरे माने समय, घर घुरते समय पटाई सोटाई के, पटाई सटाई के माने की समझिए, हम लोग क्या बोलते हैं बार्गेनिंग, क्या बोलते हैं एक तरह का बार्गेनिंग, बार्गेनिंग करके एगो बंदर किनल, किनल का माने होता है खोटा में खरीदना। देखिए बंदर खरीदता है ना, और मुंह अंधरे माने कि शाम होते होते घर घुर गया, वापस लौट गया। बेटा के काम देख के बूढ़ी रागे, चम्पू के धमकावे लागले। हाँ रे कुलांगर, हाय भतावा, ई बांदर का की करबे, ये है लूरी ता बापा, ढोकसा आधे दिन टिंगर लाओ, तो हो सही डहर धर ले। इतना कही के छमाई के भीतर बाटे ढुकली। अब सोचिए, अब माँ इसको दी पैसा के जाओ कोनो बिजनेस व्यापार करो, अरे करेकवा उठा के बंदर ले गया है, कोई भी गार्जियन गुस्सेबे नहीं करेगा। वही इसके साथ भी हुआ, माई देखी कि बंदर लेकर के गया है घर, तो इसको गुस्सा से लाल हो गई है ना, रागे है ना, बूढ़ी रागे, रागे मैंने गुस्सा से लाल हो गई, उसका शरीर लाल हो गया, और क्या बोलती है कुलंगर, कुलंगर मतलब कोई काम के नहीं, बेकार निकम्मा है ना। हाय भतवा, यही हो कि हाय भतवा, ये बंदर टा की करवे, कि बंदर का क्या करोगे, यही लूर से तो तुम्हारा बाप जो है कि समय से पहले मर गया। टिंगरलो मने क्या होगा, टिंगरलो मने खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना या मर जाना है ना, आधे दिन की समय से पहले टिंगर गया, और तुम भी उसी रास्ते पे चल रहे हो है ना। इतना कह के छमक करके इसकी मैया जो है भीतर ढुक गई। बेचारा चम्पू तो सुखाई गेल, अब तो माए का गाली सुन करके सूख गया। एक तो सारा दिन भूखे प्यासे थक मोर के, कते हुबे वो बांदर आनल, ऊपर से माइक बोली सुन के अथीर भई उठल। चम्पू के कांदू मांदू देख के बंदर बूढ़ी ठिंगेल आर कहले। देखिए
अब बेचारा चंपू तो सूख गया, एक तो सारा दिन भूखे प्यासे बाजार में घूमा, दुकान घूमा, है ना, और थक हार के एगो बंदर खरीद करके लाया, और ऊपर से माय का इस तरह का जो बोली सुना ना, ये अथीर हो गया, अथीर माने अशांत हो गया, ठीक है। और चंपू के रोते धोते देख करके बंदर बूढ़ी ठीने गेला, बूढ़ी पास गया और कहा, अब देखिए यहाँ तक तो कहानी समझ में आता है, यहाँ तक माय बेटा का कहानी था, अब बंदर का कहानी शुरू होता है। किसका कहानी? बंदर का। अब देखिए, अब बंदर कहाँ चला गया? बूढ़ी के पास चला गया, है ना। और क्या बोलता है, देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, VVI लाइन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइन, और हमको ऐसा लग रहा है 90% नहीं, सॉरी सॉरी 99% ये क्वेश्चन परीक्षा मांगेगा, और स्टेटमेंट उठा के दे देगा, ये स्टेटमेंट कौन बोला है, ये स्टेटमेंट कौन बोला है, ये स्टेटमेंट कौन बोला है, ये बंदर बोलता है, ये माए चमटू को नहीं धमका ही, हमें खूबे सोना रुपया आइन दिबाओ, कि माँ चमटू को नहीं धमका, हम खूब खाकर खूब सारा सोना रुपया लान देंगे, ये बात कौन कहा है, ये बात बंदर कहा है, कौन बोला है, बंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हाँ, इस लाइन की गहराई को समझिए, जो नहीं पढ़ा होगा वो 100% इस क्वेश्चन का आंसर गलत देगा। कोई इमेजिन कर सकते हैं कि ये लाइन एक बंदर कह सकता है? अगर वहां चार, अगर वहां पे ऑप्शन दे दे, चार बंदर, माय, बेटा, बाप, तो क्या बंदर चुनेगा क्या, आपको लगता है ना। चलिए अब देखिए, अब बंदर का ड्रामा शुरू, बंदर का कहानी शुरू। दूसरा दिन बंदर झलफले उठल, झलफले का माने होता है अर्ली मॉर्निंग, क्या होता है अर्ली मॉर्निंग, देखिए इंग्लिश भी समझिए, है ना, खोरठा है तो हिंदी भी समझिए और इंग्लिश भी समझिए। अर्ली मॉर्निंग बंदर उठता है और बहुत दूर, दूर नहीं, दूर क्या होगा, दूर, है ना, बहुत दूर एगो राजा के महले गेला, और बहुत दूर राजा के एक महल गया। मजा कहानी आएगा, आप जो जो यह लाइन पढ़ रहे हैं ना, उसको माइंड में फिगर क्रिएट कीजिए कि बंदर घर से निकला, रास्ता में जा रहा होगा और महल पहुंच गया। फिगर से इसको समझिए, क्योंकि माइंड ऐसा है ना कि माइंड हमारा चीजों को जो है ना वो फिगर में ज्यादा याद रखता है, नंबर में और डाटा में कम याद रखता है। इसीलिए टीवी सीरियल फिल्म का कोई कोई सीन लंबे समय तक दिमाग में रहता है, क्योंकि वो फिगर होता है, तो फिगर बना के समझिए। तो राजा का महल चला गया कौन, बंदर। तो एक सवाल बन जाएगा कि राजा का महल कौन गया था, तो आंसर क्या होगा, बंदर गया था। बंदर एगो गया गाइठे, एगो गाइठे मनिक मतन, सोना रूपा बांधल, और घर आइन के बूढ़ी के दई दे, एक गांठ, है ना, एक गांठ सोना रुपया, एक गांठ सोना रुपया जो है बांध करके घर लाया और किसको दे दिया, बूढ़ी को दे दिया। ये सवाल बनता है कि एक गांठ सोना, एक गांठ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख देते हैं, एक गांठ सोना कौन लेकर के आता है, कौन आता है लेकर के, बंदर, और लाके बंदर किसको बंदर देता है, बूढ़ी को देता है ना, बूढ़ी बूढ़ी को को। देता है। बूढ़ी इतने सोना रुपया देख के गदगदाई उठ लिया, बूढ़ी इतना सोना रुपया देख करके गदगदा उठी, खुश हो गई, चमटू के तो चुमाक मारी तड़े नाए, और बंदरों के बेटा बेटा कहने लगली कि बंटी की चमटू को तो चुमाक मारी तड़े नाए, कि मतलब उसको मतलब मारना छोड़ दी, मैंने जो पहले डांटती पीटती थी ना उसको मारना छोड़ दी, और बंदर को बेटा बेटा कहने लगी। सोचिए बंदरों के बेटा बेटा, कल तक यही बंदर को गरिया रही थी, राज बंदर लाके दिया धन, तो बेटा रे कहने लगी। वैसे ने बांदर कधियो रूपाक टका आने लागल, तो कधियो मूंगा मोती, तो इस प्रकार जो है बांदर कभी सोना का अथी रूपाक मन क्या होता है चांदी का पैसा लाने लगा, तो कभी मूंगा मोती लेकर के आने लगा। आ जाइए, देखते देखते बांदरे के परतापे चमटू राजा बन गेल, देखते देखते बंदर का प्रताप से, बंदर का प्रताप से मतलब कि बंदर का दया दृष्टि से, बंदर के चलते चमटू क्या बन गया, चमटू राजा। तो सवाल देगा कि इस राजा कहानी में चमटू क्या बन जाता है, राजा, मंत्री, भिखारी या राजा जमींदार, आंसर क्या होगा, और राजा किसके प्रताप से, और किसके प्रताप से बन जाता है, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदर यस, के प्रताप पुआर घारे के जगह बोड़ बोड़ गढ़ बुढ़ा बन के तैयार है, पहले कहाँ रहता था इन लोग, कैसा घर में, यहाँ भी क्वेश्चन बनेगा, पुआर घर में, पुआर, पुआर
कुंवार जानते हैं ना, धान वाला, और उसका जगह कैसा गढ़ घर बन गया है ना, गढ़ बन गया। क्या बन गया? गढ़, महल बन गया, महल। लाख लाखे कारोबार चले लगले, कारोबार लगा चलने, कितना का? लाख रुपया का कारोबार चलने लगा। घोड़ा हाथी, घोड़ा हाथी घर भर गए, किससे घर भर गया? घोड़ा से और हाथी से घर इसका भर गया। दूधे के बान बोहे लागले, है ना, माने कि दूध का बन बहने लगा, इतना दूध माने जानवर हो गया कि दूध बहने लगा पूरा एकदम। गांवे के कते कते लोग चंपू के घरे मुनीस खटे खातिर हामा गोली दिए लगला, कि गांव के न जाने कितने लोग चंपू के घर में मुनीस का काम का माने जानते हैं, क्लर्क का काम, खाता बही जो संभालता हो, इसका काम खातिर मुनीस का काम, नहीं बोलते मुंशी, इसको ठेठी समझिए, क्या हो गया इसका मतलब, मुंशी, मुंशी का काम के लिए जो है इसका घर घर घूमने लगा। हामागोड़ी मैंने कि हामागोड़ी में आगे पीछे घूमने लगा, आकर के मिलने लगा, जुलने लगा कि हमको अपने घर पर रख लीजिए। परेख खाई के परिकल पुरोहित गुलाइन तो पूजा पाठे खातिर चमटू घरे नाका दौड़ी करे लागला। और परेख घर मैंने कि दूसरों का घर खा खा के परका हुआ पुरोहित माने पंडित, परेख माने दूसरा, है ना, दूसरों के घर खा खा के परका हुआ पंडित भी, पंडित लोग भी पूजा पाठ करने के खातिर चंपू के घर दौड़ा दौड़ी करने लगा, इस बात से कि ये पूजा करा लो, वो शांति पाठ करा लो, ज्यादा धन होगा, ये पूजा माने कि मतलब कि पूजा पाठ के लिए ताकि कुछ पैसा आए। और यही जो है पुरोहित पहले चंपू के घर जाता भी नहीं था, पहचानता भी नहीं था, मतलब इतना चेंज रुपया पैसा देख करके, है ना। तो ये है रुपया का प्रताप। आगे देखिए, बंदर का प्रताप से रुपया का प्रताप का पावर, है ना, प्रताप माने पावर समझ सकते हैं। रसे रंगे डूबल चमटू उदम साढ़ रकम घोरे लगल, कि जो चमटू पहले रसे रंगे डूबल था वो साढ़ बन के घूमने लगा चारों, मतलब कि डॉन बन करके चारों ओर घूमने लगा। बूढ़ी के शान तो देख के नहीं आ रहा, बूढ़ी का शान तो देखने का लायक, मैंने जो बूढ़ी पहले फटल साड़ी पहनती थी वही बूढ़ी जीन्स और टी शर्ट पहन के घूमने लगी। अरे कहने का अर्थ है ना कि मतलब पूरा एकदम एडवांस में, ये नहीं कि जीन्स और टी शर्ट नहीं मार दीजिएगा वो ऑप्शन में, सब नहीं लिखल है। हाँ हाँ आगे देखिए, बूढ़ी बांदरे के खातिर एगो रूपा खाटी बनाई देला, और दुलार प्यार से ओकरा खीवे पीवे लागले। और देखे कि बंदर की वजह से हम लोग इतना बढ़ रहे हैं, तो बंदर के लिए एगो चांदी का खाटी तैयार कर दिया, चांदी का खटला तैयार कर दिया, और उसको दुलार पिलार से बंदर को हाथ से खिलाने पिलाने लगी। चमटू घरे के ताम झाम देख के आस पासे के लोग मुड़े हाथ ले लीला, और चमटू घर का इतना ताम झाम मतलब कि इतना रौनक उनक देख करके आस पास के लोग तो मुड़े में हाथ रख लिया कि ये कैसे हो गया। कुछ दिन बीतल बाद एक दिन बांदरे बूढ़ी के आपन ठिन डाइक के कहले, कुछ दिन बीतने के बाद बंदर बूढ़ी को अपने पास बुलाता है और क्या कहता है, देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये भी लाइन पूछ देगा। माय अबरी दादा के बिहा देख चाही, काइल हमें एक ठीन कन्याई देखे जीबाओ, तनी झलफले जलपान कर दी है। देखिए ये लाइन कौन बोला, ये लाइन कौन बोला, लाइन कौन बोला, बंदर किसको बोला, किसको बोला, माइको मम्मी को, है ना। बंदर बोलता है कि हम अब दादा का ब्याह कर दो, दादा का ब्याह होना चाहिए, चल ना, माने कि चमटू का, इसके लिए हम कल एक जगह लड़की देखने जाएंगे, तो झलफले माने कि सवेरे नाश्ता बना करके दे दीजिएगा, तब ने हम खा के और जाएंगे। दूसर दिन जलपान करके बांदर झलफले घर से बहराइल, और बेरा चाके बैसते एगो राजे गिल, है ना, राजे गिल, है ना, राज्य गिल, राजे, देखिए यहाँ यहाँ होगा राज्य, हाँ एक राज्य गया या राज्य गया, ठीक है। दूसरा दिन जलपान करके बंदर सुबह घर से निकल गया, और शाम होते होते एक राज्य में चला गया, वहां बांदर का खूब मान सम्मान हुआ, है ना, फले के गादा लाग गए, है ना, फल फूल का गद्दा लग गया बंदर का स्वागत के लिए। बांदर
पुगराई पुगराई खाई लागल है ना, मैंने कि बांदर मतलब पुगरा पुगरा का खाना, मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब मन भर गया उसके बाद भी खा रहा है, जबरदस्ती खाना है ना खाने लगा। और चमटू राजा का बरतू पाते के कथा वार्ता करी लगल। और चमटू जो है राजा का बरतू पाते के मैंने बोलता है कि बर दूल्हा के बारे में कैसा है कैसा नहीं है उसका चर्चा करने लगा। बरतू पाते के कथा सुन राजा के खुशी का ठिकाना ना, बरतू के बारे में जान करके, बरतू मैंने लिख लीजिए दूल्हा के बारे में जान करके राजा का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तकर बादे बिहा के दिन ठेकान धराई के बांदर हासल खेलल घर घुल गेल। उसके बाद दूसरा दिन जो है बंदर वहां से वापस लौट गया हंसते खेलते कूदते। बूढ़ी सुन ली तो गर्वे फूल गई, गर्व से फूल गई, गर्वे बने बूढ़ी जब ये सब सुनी तो गर्व से फूल गई। अबरी तो बूढ़ी बांदरे के गोड़े तेलो मखवे लागले, अब तो बूढ़ी बंदर का पैर में तेल भी लगाने लगे, क्योंकि बेटा के लिए दुल्हन भी खोज के ला दिया, दुलार का कोई सीमा नहीं था है ना, बहुत हाई लेवल। और एक दिन हंसी खुशी चमटू का ब्याह भले, और एक दिन जो है चमटू का हंसी खुशी ब्याह हो गया। बुढ़िया के हाथे सरगे के चांद आ गए, और बूढ़ी के हाथ में स्वर्ग का क्या आ गया, मानो कि चांद आ गया है स्वर्ग का, शादी हो गया ना, शादी हो गया तो कौन आई, दुल्हन। अब दुल्हन आ गई तो इसकी बुढ़िया मैया बहुत खुश, दिन रात है ना बहू बेटा डूबल रहने लगे, और दिन रात बहू बेटा में मगन, बंदर पर ध्यान कम, बांदरे के खेज पुछाइर भला के करे, कि अब बंदर का खोज कौन करेगा, सोच लीजिए। वही बुढ़िया बंदर का गुड़वा में तेल लगाती थी, चांदी का खटिया बना दी थी, हाथ से खाना खिलाती थी, लेकिन अब जब से बहू आई तब से बंदर का पूछा जाना कम हो गया है ना। ने चमटू कखनो बांदरे के टवान ले, ने चमटू के बहू ही ना, तो चमटू कभी बंदर का खोज करता, टवान माने क्या होता है, खोज करना माने पूछना कि मेरा बंदर कहाँ है ना, खोज करना, और ना ही चमटू की बहू चमटू की पत्नी। ऊपर ले जोदी कखनो बांदरे चमटू के बहू के भौजा भौजी कहे तो वो बांदर के खखुआई दे, और अगर ऊपर से अगर यदि चमटू की पत्नी को ये बंदर भौजी भाभी कहता है तो बंदर को खखुआ के भगा देती है। बांदर ने हिंदे रहल ना हुंदे, बंदर अब ना यहाँ का रहा ना वहां का, मतलब बंदर ना अब चमटू का रहा ना चमटू के माई का रहा। गोठे गनाई ने पंघाई बंधाई, गोठे गनाई ने पंघाई बंधाई, इसका मतलब क्या हुआ, गोठे गनाई ने पंघाई बंधाई, गोठे माने पूरा, क्लियर नहीं है लाइन इसका क्या बोल रहा है ना, छोड़, चलिए आगे बढ़ते हैं, जरूरी नहीं है कि खोटा घर लाइन आपको आपको समझ में आ ही जाए है ना, कुछ इसमें सेंटेंस को पूरा करने के लिए कुछ लकार वकार भी होता है। आगे आइए, बांदरे के आंखी यार नींद ना है, तखन एक दिन बांदर बूढ़ी के डाइक के पूछ ले, माए दादा तो बिहा भई गेलै, अबरी हाम जदी मोर जाए तो तू की करबे, तुम है ना। अब क्या होता है कि बंदर का आंख में अब नींद चैन नहीं था, एक दिन जो है बंदर बूढ़ी को डाइक मतलब कि बुला करके पूछता है कि माँ दादा के तो शादी बिहा मने शादी हो गया, अबरी हम अगर जदि मर जाएंगे तो तुम क्या करोगे। देखिए बंदर अब लेता है टेस्ट, यहाँ लिख देते हैं है ना कि बंदर है ना, बंदर बूढ़ी माँ का परीक्षा लेता है, क्या लेता है, परीक्षा लेता है, ध्यान दीजिएगा। तब बूढ़ी क्या बोलती है, हाँ बेटा ऐसन आम खाव काहे बोके हैं, तो ये मुरले हमें खूबे कांद बाओ और तोरा चंदन काठे पोड़ाई बाओ, और फिर तोए मुरली हमें की यार बाचा बेटा। अब देखिए कितना मक्खन लगाती है, क्या बोलती है बुढ़िया, हाँ बेटा तुम ऐसा काहे बोलते हो, ऐसा तुम ऐसा काहे सोचते हो, तुम मर जाओगे तो हम खूब कान देंगे और तोरा चंदन का लकड़ी में जलाएंगे, पोड़ेबो का मने होता है जलाना, जलाएंगे, और तुम फिर इस तरह का बात क्यों करते हो, और तुम अगर मर जाओगे तो कि हम बाँचब बेटा, क्या हम जिंदा रहेंगे बेटा तेरे बिना, ऐसा बोलती है।
दूसर दिन बांदर मोरे के टाटक करला, टाटक बने नाटक। दूसरा दिन जो है बंदर मरने का क्या किया, नाटक करता है ये देखने के लिए कि लोग इसके क्या करता है ना। बिहाने जखन बूढ़ी देख ली कि बंदर मर गया, सुबह जब देखी बूढ़ी के बंदर मर गया तो तनी इधर उधर उल्टाए पलटाए देखी, इधर उधर को अलट पलट करके देखी। मेंतुक धने के गर्भे एको तनी कांदली ना, लेकिन धन का गर्भ के कारण एक बूंद भी नहीं रोई। यही बुढ़िया पहले का बोली थी कि खूबे कांदबो, हकार मार मार के कांदबो, तुरा चंदन में जरेबो है ना, और अगर तुम मर जाओगे तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे, ऐसा भाषण दी थी। वही बुढ़िया देखिए जब देखी कि मर गया तो उसको उल्टा पुल्टा के देखी, लेकिन एक शब्द आंसू नहीं गिराई। बांदर एकदम सुगुप, बांदर एकदम चुपचाप, क्योंकि बंदर तो नाटक कर रहा है। बूढ़ी नाकवा आरो दाइब के चमटू के डाकली और कहली, और बूढ़ी जान बुझ के पैतरा में नाक को दाब ली और चमटू को डाकली, मैंने आवाज दी और बोलती है, यह देखी बेटा बांदरा मर लो रे। अरे बेटा जब बांदरा हो से मर गेलो रे, जाओ एगो पुआर डोराई बांध के खेत बाटे फेंक दबी, नहीं तो गमकता रे। क्या बोलती है कि जो एगो पुआर में इसको बांध करके खेत में फेंक दो, ना तो गमकता ये बांदरा। ये बात सुन के बांदरे के गोड़े के लहर मगजे फूटा लर, ये बात सुन करके बंदर का जो गोड़ का लहर था माथा में फूट गया, मने कि बंदर जो है ना वो हैरान हो गया, गुस्सा से लाल हो गया एकदम। मने करल भाग्य बूढ़ी वो गिला खाली छैब करो हली, अच्छा अबरी तोरा बुझेबा है ना। बंदर बोला कि अच्छा बूढ़ी खाली भाषण देती है, अब तुमको बताएंगे। दौड़ा दौड़ी चमटू बांदरे के गोड़े डोरा बांधल और टानल घिसरवल खेत बाटे फेंकाल। दौड़ दौड़ के चमटू बंदर का जो है पैर बांधा और टान खींच करके खेत में फेंक आया। सोची माने कि घसड़ते घसड़ते ले गया और जाके फेंक आया। बांदर कौन हो रखा माए गो बाप गो करी उठल, और बंदर जो है बाद में किसी तरह से माए बाप करके उठा कष्ट से। तब तक मुंह अंधेरा भय गिले, तब तक क्या हो गया था अंधेरा हो गया था। बांदर एगो तितकी लेके, तितकी मने होता है वो जलता हुआ लुहाठी, जलता हुआ लुहाठी। बंदर एगो जलता हुआ लुहाठी लेके चमटू का गढ़ में आग लगा देता है। सभी पुल के मर गया, सभी कोई जल के मर गया इसका घर में। बांदर अपन आंख टेहना लेके उद्देश्य से पराई गिला, और फिर बंदर अपना आंख लेकर के टेहना लेकर के उस देश से भाग करके दूसरा देश चला गया। और इस प्रकार कहानी दाइंड होता है। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एक घमंडी लोगों का विनाश होता है, इसीलिए उस इंसान को कभी भूलना नहीं चाहिए जो इंसान आपको फर्श से अर्श पर पहुंचाता हो, ठीक ना। चलिए कहानी आज दोस्तों खत्म हो गया। इसे जो कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं इसका पीडीएफ क्वेश्चन का हम लोग जल्दी लेकर के आएंगे। फिलहाल बाकी जो इंपॉर्टेंट जहां जहां क्वेश्चन बनता था मैंने आपको मार्किंग करवा दिया है, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।